जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल दिए गए पुरस्कार और सम्मान यानी कि अवार्ड एंड ऑनर्स रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है ये जीता है सिनी सेट्टी ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम सभी इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कर्नाटक की हैं, 21 साल की हैं, इनका नाम क्या है तो सिनी सेट्टी इनका नाम है। ओके, और इनका पूरा नाम क्या है तो सिनी सदानंद सेट्टी इनका पूरा नाम है। और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया तो 3 जुलाई 2022 को और मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। सिनी सेट्टी को ताज किसने पहनाया है तो मानसा वाराणसी ने, ठीक है। और मानसा वाराणसी जो है ये मिस इंडिया 2020 थी, ठीक है। और सिनी सेट्टी जो है ये भरतनाट्यम डांसर भी हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 और इसका खिताब जो है ये खुशी पटेल ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है? खुशी पटेल ने जीत लिया है। सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय मूल की हैं खुशी पटेल और इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की छात्रा हैं। ओके, और ये भारतीय मूल की हैं इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो प्रतियोगिता है ये विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। और याद रखना है कि गुआना की रोशनी रजाक हैं, ठीक है। तो गुआना की रोशनी रजाक ने मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के खिताब जीत लिया है, ठीक है। अवार्ड भी देखिए इसमें केवल टीन शब्द जुड़ा है, ठीक है, और अवार्ड बदल गया और ये गुआना की रोशनी रजाक ने जीता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ईबुक लॉन्च हो गई है। इस ईबुक के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इस ईबुक में आपको जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। जनवरी 2021 से क्यों? क्योंकि अभी प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम देख लीजिए, चाहे एसएससी का एग्जाम देख लीजिए, सभी में जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जनवरी 2021 से और अब तक का अपडेट करंट अफेयर्स आपको हमारी ईबुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको हमारी ईबुक के अंदर क्या क्या मिलेगा तो 50 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा 1200 से ज्यादा और डिटेल एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे इस ईबुक के अंदर तो टोटल 5000 से ज्यादा और डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी इस ईबुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो इसी प्रकार से डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको हमारी इस ईबुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आप ग्रुप डी और अभी हाल फिलहाल जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ईबुक को वाय करके अभी डाउनलोड कर लें। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया। पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है ये दिया गया है 3 व्यक्तियों को। एक तो प्रकाश पादुकोण, दूसरे एस एम कृष्णा और तीसरे हैं एन आर मूर्ति। इस क्वेश्चन के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों कर्नाटक के पूर्व सीएम हैं एस एम कृष्णा, ठीक है, और इंफोसिस के संस्थापक हैं कौन हैं एन आर नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण, ठीक है। इनको कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और देखो दोस्तों कैंपेगौड़ा पुरस्कार जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा इसी साल स्थापित किया गया है, ठीक है, इसी साल स्थापित किया गया है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो पुरस्कार है ये बेंगलुरु शहर के वास्तुकार कैंपेगौड़ा की 513वीं जयंती के अवसर पर उन्हें सम्मान के रूप में शुरू किया गया है। ओके, तो बेंगलुरु शहर के संस्थापक कौन थे? कैंपेगौड़ा थे, ठीक है। एक फैक्ट यहाँ से हमें पता चल गया।
नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्कॉट होम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। दोस्तों स्कॉट होम डायमंड लीग 2022 और इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर अवार्ड जीता है, कौन सा सिल्वर मेडल जीता है। डिटेल की यदि हम बात करें दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है स्कॉट होम डायमंड लीग 2022, इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो स्वीडन की राजधानी स्कॉट होम में इसका आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जो जेबलिन थ्रो है, ठीक है, कौन, नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, और इन्होंने 89.94 का थ्रू करके सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से पीछे रहे हैं, और ये जो एंडरसन पीटर्स हैं, इन्होंने कितने का थ्रू करके गोल्ड मेडल जीता था, तो इन्होंने 90.31 का थ्रू करके गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है गीतांजलि श्री के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके भी सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं, तो भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री, और इन्होंने पहली बार हिंदी में अनुवादित उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 जीता है, ठीक है, पहली बार हिंदी में अनुवादित किसी उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसने जीता है, गीतांजलि श्री ने जीता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो उपन्यास है, इस यदि हम बात करें कि इसके ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम क्या है, तो टॉम्ब ऑफ सेंड जो है इसके ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम है, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, तो डेजी रॉकवेल ने किया, ठीक है। और यदि हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 ये किसको दिया गया था, तो ये डेविड डियोप के लिए दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 2021 के अवार्ड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 और ये किस भारतीय को दिया गया है, दोस्तों ये इंद्रजीत सिंह को दिया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं, तो हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के और वॉटनी के प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है ये जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा विश्व भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत में 60,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 जो है ये किसको दिया गया है, तो ये अशोक दयाल चंद जो कि भारत के हैं और जेम्स कोफी अन्नान जो कि घाना के हैं, इन दोनों को दिया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों फैक्टों की बात करें तो मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार जो है ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज फाउंडेशन के द्वारा बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, तो इस क्रम में भारत के अशोक दयाल चंद को ये पुरस्कार भारत में बाल विवाह के खिलाफ में अभियान के जरिए लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता करने के लिए प्रदान किया गया, और घाना के जेम्स कोफी अन्नान हैं इनको ये पुरस्कार वोल्टा झील पर मछली उद्योग में लिप्त बाल दस्ता के खिलाफ अभियान चलाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखना कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार कौन सा है, तो गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड है, ठीक है, और ये 2022 में किसने जीता है, तो केन्या की अन्ना काबली दुबा ने जीता है। चलिए फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं, तो केन्या की अन्ना काबली दुबा अपने गांव की पहली ग्रेजुएट महिला हैं, इनको समाज में स्वास्थ्य एवं शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई 2021 को शुरू किया गया था, ठीक है, तो ये पिछले साल ही शुरू किया गया था, और 2022 का ये जो अवार्ड है ये अन्ना काबली दुबा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में कितने भारतीय स्कूल हैं। तो दोस्तों अभी जून 2022 में और ब्रिटेन में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में और यदि हम बात करें कि कितने भारतीय स्कूलों को शामिल किया गया है, तो 5 भारतीय स्कूलों को शामिल किया गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला पिक्सन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? दोस्तों महिला पिक्सन पुरस्कार 2022 जो है ये रुथ ओजेकी ने जीता है। किसने जीता है? रुथ ओजेकी ने। डिटेल की यदि हम बात करें दोस्तों, प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका हैं और फिल्म निर्माता भी हैं रुथ ओजेकी, और इन्होंने उपन्यास दी बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला पिक्सन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने जीता है। चलिए इसके फैक्टों को हम देख लेते हैं। दोस्तों लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत करी गई है इसी साल। ठीक है, ये पुरस्कार जो है ये प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के लिए योगदान दिया हो। ठीक है, इस पुरस्कार के लिए सबसे पहले पीएम मोदी को ये दिया गया है। और ये दोस्तों ये जो पुरस्कार समारोह है ये 24 अप्रैल को मुंबई के षडमुखानंद हॉल में आयोजित किया गया। अच्छा, ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी को तो दिया ही गया है, इनके साथ में ये पुरस्कार जो है ये गायक राहुल देश पांडे को भी दिया गया, अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया और अभिनेता जैकी सरोफ को दिया गया, और एक संस्थान है नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स चैरिटी ट्रस्ट। ठीक है, तो चार लोगों को और एक संस्थान को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब एग्जामिनर यदि क्वेश्चन को कठिन करेगा तो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम तो सभी को पता है, इन चार में से किसी एक का नाम पूछ लेगा। ओके, तो आपको सभी चीज़ें याद करना है और सभी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और हमारी यही पहचान है कि हम जो है क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार जो है ये दिया गया है नारायण कुमार को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों डिटेल की बात करें तो चेन्नई स्थित सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं नारायण कुमार। ठीक है, और इनको जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें जापान और भारत के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। और दोस्तों नारायण कुमार जो हैं ये इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 और ये किसको दिया गया है, तो ये सिंथिया रोजनजवेक के लिए दिया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं, इनका नाम क्या है, तो सिंधिया रोजन जवेग इनका नाम है। ठीक है, और इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय ये समझने में बिता दिया कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है ये वर्ष 1986 में विश्व में हरित क्रांति के सूत्रधार कहे जाते हैं कौन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। तो ये फैक्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस फैक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था, और कब दिया गया था, तो 1987 में दिया गया था। ओके, इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों हम करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में यदि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं तो कोई नुकसान है क्या? नहीं है ना। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये फैक्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और फिर बता बच्चे क्या बोलते हैं कि सर पता नहीं, ये पूछा गया था, कोई पुरस्कार था खाद्य पुरस्कार, पहली बार किसको दिया गया? भैया
जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनको ये पहली बार दिया गया था। मतलब ये छोटी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो भारत में हरित क्रांति के वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनके द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी 1986 में। तो ये फैक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को। किसको? ममता बनर्जी के लिए ये पुरस्कार भी इसी साल शुरू किया गया है, ठीक है। और पहली बार ये किसको दिया गया है? तो ममता बनर्जी को दिया गया। और ममता बनर्जी को ये पुरस्कार जो है इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो ममता बनर्जी की एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है कविता बिटान, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कविता बिटान इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी पुस्तक के लिए इनको बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है पहली बार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय व्यक्तिगत श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय व्यक्तिगत श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 जो है ये भिक्खु संघ सेना को दिया गया। इसके सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 20 जून 2022 को आयुष मंत्रालय के द्वारा योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 की घोषणा करी गई। भले ये जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है ये 2021 का है, लेकिन इसकी घोषणा कब करी गई? तो जून 2022 में इसकी घोषणा करी गई। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये योग के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। और दोस्तों ये पुरस्कार जो है ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 4 श्रेणियों में ये दिया जाता है। कौन कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत श्रेणी, राष्ट्रीय व्यक्तिगत श्रेणी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन। 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 4 श्रेणियों में किस किस को दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार जो है ये ब्राजील के मार्कस विनिसियस रोजो रोड्रिक्स को दिया गया है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रम में यूनाइटेड किंगडम का एक संगठन है बेटस व्हील ऑफ योगा, इसको दिया गया। और राष्ट्रीय व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है? तो आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे मोदी जी के साथ में भिक्खु संघ सेना, ये लद्दाख के हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो उत्तराखंड का एक संगठन है दी डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ठीक है। तो इस संगठन को राष्ट्रीय संगठन की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ये पुरस्कार जो है इस पुरस्कार के तहत विजेता को ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2016 को और चंडीगढ़ में करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 और ये किसको दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा के लिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 2019 में की गई थी। ये पुरस्कार मैंने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणी, 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया और संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, ओके। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? ये आरिफा जोहरी के लिए दिया गया। किसको? आरिफा जोहरी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये मुंबई की प्रसिद्ध पत्रकार हैं। कहाँ की? ये मुंबई की प्रसिद्ध पत्रकार हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? नेताजी पुरस्कार 2022 जो है ये शिंजो आबे के लिए दिया गया है। किसके लिए? शिंजो आबे। और शिंजो आबे आप लोग जानते होंगे ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार शिंजो आबे को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया?
तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है हिलाल ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। और ये किसको दिया गया है दोस्तों, ये पुरस्कार जो है ये बिल गेट्स के लिए दिया गया, किसके लिए, बिल गेट्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो बिल गेट्स को ये सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे बिल गेट्स ने, तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और बिल गेट्स सभी लोग जानते होंगे कौन है, फटाफट से बताइए कमेंट करके। बिल गेट्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्कॉट होम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों स्कॉट होम जल पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो पर्यावरण वाष्पीकरण के मूल्यांकन क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट को स्कॉट होम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसको जल का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि जल का नोबल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो स्कॉट होम जल पुरस्कार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों TX2 पुरस्कार ये किस टाइगर रिजर्व को दिया गया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। और दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु के एरोड जिले में स्थित है, कहाँ पर, तमिलनाडु के एरोड जिले में स्थित है। और दोस्तों ये TX2 पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो बाघों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए, ठीक है, ये TX2 पुरस्कार दिया जाता है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने 2010 के तुलना में बाघों की संख्या कितनी कर ली है, दोगुनी कर ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है। दोस्तों 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है कोडा मूवी के लिए, किसके लिए, कोडा मूवी के लिए। और यदि हम बात करें कि कोडा मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो सियान हेडर इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में, तो बेस्ट फिल्म रही है कोडा, बेस्ट डायरेक्टर कौन बने, तो कैंपियन बने। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, विल स्मिथ ने। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है, तो जेसिका चेस्टन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार किससे दिया गया। दोस्तों 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार जो है ये दिया गया है वी प्रवीण राव के लिए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों स्वामीनाथन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और हाल ही में जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वी प्रवीण राव, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये कौन सा पुरस्कार था, 7वां, ठीक है। इस पुरस्कार में 2,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों एबेल पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है, ये डेनिस सुलिवान को दिया गया, किसको, डेनिस सुलिवान को। अच्छा एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ये जो डेनिस सुलिवान है ये कहाँ के गणितज्ञ हैं, तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक वो ये किसको दिया गया है, तो ये जेबलिन थ्रो नीरज चोपड़ा यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को ये पुरस्कार दिया गया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किसने स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये भी किसने जीता है, तो ये भी नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है, तो दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 जो है ये हर्षाली मल्होत्रा के लिए दिया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो आप लोगों ने कबीर खान की एक मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, ठीक है।
तो बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार किसने निभाया था? हर्षाली मल्होत्रा ने मुन्नी का किरदार निभाया था, और इन्हीं के लिए यानी कि हर्षाली मल्होत्रा के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। हर्षाली मल्होत्रा को ये अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया। ठीक है, हर्षाली मल्होत्रा जिन्होंने मुन्नी का रोल प्ले किया था, आप लोग उनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया? दोस्तों, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को नामित किया गया। दोस्तों, प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान करने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, और 31वें नंबर के, कौन सा नंबर का ही है जीडी बिरला पुरस्कार, तो 31वें नंबर के जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया है आनंद कुमार को। ठीक है, और आनंद कुमार आप लोग जानते होंगे इनको, नहीं जानते तो जानना ज़रूरी है। तो गणितज्ञ हैं आनंद कुमार, और इनको इनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इनकी सुपर 30 पहल ये क्या है? आप लोगों ने सुपर 30 मूवी देखी होगी जिसमें आनंद कुमार का रोल किसने प्ले, आनंद कुमार का रोल जो है ये ऋतिक रोशन ने प्ले किया था। ठीक है, तो सुपर 30 पहल बिहार के पटना में स्थित रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का एक कोचिंग प्रोग्राम है। ये समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में से 30 मेधावी छात्रों का चयन करता है और उन्हें आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा पास कराने के लिए आकार देता है, उनकी तैयारी करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2022 इवेंट में किस हवाई अड्डे ने कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? दोस्तों, विंग्स इंडिया 2022 इवेंट में और एक हवाई अड्डा है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना है? दोस्तों, टाइम पत्रिका ने और पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो है ये एलोन मस्क के लिए चुना है। किसके लिए चुना है? एलोन मस्क के लिए। तो हाल ही में टाइम पत्रिका ने टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलोन मस्क, याद रखना टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO कौन है? एलोन मस्क। ठीक है, तो इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है टाइम पत्रिका ने। ठीक है, इससे पहले टाइम पत्रिका ने 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया था। क्वेश्चन में यदि 2020 का पूछ ले तो 2020 का लगाना है, 2021 का पूछ ले 2021 का भी आपको पता रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया? दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में और स्कॉच अवार्ड ये किसको दिया गया है? पश्चिम बंगाल को दिया गया। ओके, पश्चिम बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने पहना है? दोस्तों, मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जो है ये साइलेंट फूड ने हासिल किया है। ठीक है, और साइलेंट फूड जो है ये कहाँ की हैं? तो दोस्तों, ये अमेरिका की हैं। कहाँ की? ये अमेरिका की हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो प्रतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, प्रतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 जो है ये प्रदान किया गया है देवेदो फ्रांसिस केरे के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो मार्च 2022 को और बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं देवेदो फ्रांसिस केरे, और इनको प्रतिष्ठित प्रतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं। ठीक है, ये पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसके तहत जो विजेता हैं इनको $100,000 की राशि प्रदान करी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना कब करी गई थी? तो 1979 में इस पुरस्कार की स्थापना करी गई थी। और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर हैं, इनका नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी को 2018 में ये पुरस्कार
पहली बार दिया गया था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बालकृष्ण दोषी जो हैं ये आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक है। और दोस्तों 2021 का ये पुरस्कार किसको दिया गया, तो फ्रांस के आर्किटेक्ट यानी लेकेटॉन और जीन फिलिप वॉसल के लिए 2021 में ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना गया। दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में किस भारतीय शहर को चुना गया है, दोस्तों मुंबई और हैदराबाद उक्त दोनों शहरों के लिए चुना गया। हम फैक्टों की बात करें तो UNFAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और अर्बन डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के मुंबई और हैदराबाद शहर को संयुक्त रूप से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है ये एम्बर ब्रेकेन ने जीता है। किसने, एम्बर ब्रेकेन ने जीता है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं, दोस्तों कनाडा की फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रेकेन, ठीक है। और इन्होंने एक फ़ोटो क्लिक करी थी, ठीक है, और उस फोटो का टाइटल इन्होंने रखा था कम लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। ये इन्होंने फ़ोटो क्लिक करी थी और फोटो का टाइटल क्या रखा था, ये रखा था, ठीक है। और ये जो फोटो है इसी फोटो के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वें माधवराव लेमिए पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों 18वें माधवराव लेमिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो नितिन गडकरी को 18वें नंबर का माधवराव लेमिए पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है ये नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार लेमिए की स्मृति में उनकी बेटी डॉक्टर शोभा नर्लिकर के द्वारा स्थापित किया गया। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये का नगद रुपये दिए जाते हैं और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। ये पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया। नितिन गडकरी कौन है, तो एक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। मैं जब भी नितिन गडकरी का नाम पढ़ता हूँ ना तो नितिन गड़गड़करी पढ़ता हूँ। गड़गड़ क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। और जब भी हम भारत की सड़कों और राजमार्ग से परिवहन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी गड़गड़ गड़गड़ हो जाती है, ठीक है। ये लॉजिक है, ऐसा है कि नहीं है आपको पता है, लेकिन मैं लॉजिक क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप नितिन गडकरी का नाम कभी ना भूल पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, लीजन ऑफ मेरिट, और ये किसको दिया गया है, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ठीक है। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी जी को क्यों दिया गया, तो भारत और अमेरिका की राजनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलगी खोरलो से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, नगदल पेलगी खोरलो, और ये किसको दिया गया, तो ये भी पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। अब हम डिटेल को देख लेते हैं, तो भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, लोटे शेरिंग, ठीक है। और इन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेलगी खोरले से सम्मानित किया है, ठीक है। पीएम मोदी को यह सम्मान शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में दिया गया है, ठीक है। COVID-19 जब बीमारी आई थी तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमने कई सारी वैक्सीन जो है ये भूटान के लिए दी थी, ठीक है। तो भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के लिए भूटान ने ये पुरस्कार दिया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया। असम वैभव, ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। और ये किसको दिया गया है 2022 में, तो ये रतन टाटा के लिए दिया गया। किसके लिए, तो रतन टाटा के लिए पुरस्कार दिया गया। रतन टाटा को ये पुरस्कार जो है ये असम में कैंसर देखभाल में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। असम में और कैंसर के लिए रतन टाटा ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, ठीक है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है किसके लिए? दामोदर मावजो के लिए दिया गया, दामोदर मावजो, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल की बात करें तो दोस्तों हाल ही में दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार हैं, नाम क्या है? दामोदर मावजो, ठीक है, और इनके लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लेखकों को दिया जाता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1961 में, और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप के लिए दिया गया था, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली यदि पहली महिला पूछा जाए तो आशा पूर्णा देवी हैं और यह एक बंगाली लेखिका हैं। इनको 1976 में ये पुरस्कार दिया गया था और 1968 में सुमित्रानंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और जबकि 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में ये प्रथम रिकॉर्ड आपको ज़रूर याद रखना है। और 2022 में ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों अभी ये पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? दामोदर मावजो के लिए दिया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो इसी क्रम में पूछा जाएगा कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया? तो ये जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2020 के लिए दिया गया, याद रखना ये 2021 है लेकिन 2020 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये भी दिसंबर 2021 में ही इसकी घोषणा करी गई थी। ये किसको दिया गया है? तो नीलमणि फूकन जूनियर के लिए दिया गया है, ठीक है, याद रखना। और ये जो नीलमणि फूकन जूनियर हैं यह एक असमिया साहित्यकार हैं। कौन है? यह एक असमिया साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 को किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान ये अप्रैल 2022 में प्रदान किया गया। ये किसको प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर रामदास मिश्र के लिए प्रदान किया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फैक्टों की हम बात कर लेते हैं तो अप्रैल 2022 को हिंदी भाषा के वरिष्ठ कवि और लेखक हैं प्रोफेसर रामदास मिश्र, और इनको वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है, 2021 के लिए दिया गया लेकिन कब दिया गया? 2022 में दिया गया। अच्छा, ये पुरस्कार इनकी एक कविता संग्रह है, मैं तो यहाँ हूँ, ये कविता संग्रह 2015 में प्रकाशित हुई थी और इसी कविता संग्रह के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है 31वां, ठीक है। इससे पहले जो 30वां सरस्वती सम्मान है ये 2020 के लिए और प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के लिए दिया गया था, और लिम्बाले के लिए इनके उपन्यास सनातन के लिए इनको 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था, ठीक है। ये जो सम्मान है वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों मालदीव सरकार के द्वारा, और सुरेश रैना को, किसको? सुरेश रैना को प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसको दिया गया? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कलिंग रत्न सम्मान 2021 जो है ये दिया गया है विश्वभूषण हरिचंद्रन को, ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो विश्वभूषण हरिचंद्रन है ये कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। कौन है? ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, और विश्वभूषण हरिचंदन को साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान दिया गया है किसी भारतीय को, इसलिए क्वेश्चन जो है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किसको दिया गया? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति के लिए दिया गया। चलिए फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति जो हैं ये तमिलनाडु मदुरई के रहने वाले हैं, और इनको कोविड-19 महामारी के दौरान उनके द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इस पुरस्कार को MBE अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, तो MBE अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये जो कृष्णमूर्ति हैं ये विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म है, इसका नाम क्या है? तो पेनलॉन के ACEO हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता रहना
जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है? ये फ्रैंक विल्ज़िक के लिए दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो नोबल पुरस्कार से सम्मानित और भौतिक वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध लेखक हैं फ्रैंक विल्ज़िक, और इनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 में करी गई थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम अब देखने वाले हैं। पहला, टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1973 में ही, जब इसकी स्थापना करी गई थी उसी साल ये पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध बीटली पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? दोस्तों बीटली पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है? ये चारुदत्त मिश्रा के लिए दिया गया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो वीटली अवार्ड को पर्यावरण के क्षेत्र का ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। ठीक है, चारुदत्त मिश्रा का ये अवार्ड जो है उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजाति, ठीक है, तेंदुआ की एक प्रजाति है बड़ी बिल्ली प्रजाति, ठीक है, तो इसके संरक्षण में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार वेटन की संस्था वीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है रिजवाना हसन के लिए। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों रिजवाना हसन जो हैं ये बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की CEO हैं। ठीक है, इन्होंने वनों की कटाई प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ में कई मामले उठाए जिसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को पढ़ा जो कि अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड थे, और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। अच्छा, इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी अपडेट ई बुक को डाउनलोड कर लें। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने अवार्ड एंड ऑनर का ये टॉपिक पढ़ाया है, इसी प्रकार से आपको 50 टॉपिक बिल्कुल डिटेल में हमारी इस ईबुक के अंदर मिल जाएंगे। इन 50 टॉपिक के अलावा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1200+, ठीक है, तो 1200+ डिटेल MCQ मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे तो 5000 से ज़्यादा रहेंगे। डिटेल में ईबुक की पहले भी बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। किस राज्य ने केसर ए हिंद को राज तितली घोषित किया है? किस राज्य ने किया है? उसके वहाँ उस राज्य के CM कौन है, गवर्नर कौन है, वहाँ की कैपिटल क्या है, सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो देख सकें। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।